हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म आज थर्सडे और पावन खिंड को लेकर। ये दो फिल्में हैं जो कि हाल फिलहाल रिलीज हुए हैं, एक थिएटिकल तो एक OTT। कंपेरिजन करेंगे कि किस फिल्म ने अपने तीसरे दिन ज़्यादा कलेक्शन किया और कौन सी फिल्म हो रही है हिट और कौन सी फ्लॉप। वेल, अगर बात करें फिल्म को लेकर तो आपको जो पावन खिंड है, पावन खिंड को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में आपको लीडिंग में नजर आ रहे हैं अजय पुरकार, अंकित मोहन, और ये एक मराठी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर तो फिल्म को आज रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं और चौथे दिन का रन चल रहा है। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यकीन मानिएगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म को पब्लिक की तरफ से। ऑडियंस इसको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल के साथ साथ वॉर ड्रामा फिल्म है और जिसका कॉन्सेप्ट है काफ़ी यूनिक है। इससे पता चलता है कि ना फिल्म का बजट कभी भी मायने नहीं रखता फिल्म की स्टोरी दर्शाने के लिए। काफ़ी लो बजट के साथ ये बनी फिल्म है और काफ़ी तैयार की गई है, जिसका बजट 12 करोड़ रुपए और जो कलेक्शन आया है इसका निकल के वो भी अनबिलीवेबल। जो इसका कलेक्शन आ रहा है तीसरे दिन का वो है 2,80,00,000 रुपये नेट कलेक्शन, और वहीं 3 करोड़ प्लस कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। और आपको बता दूँ इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का 3 दिनों के अंदर अंदर वो हो चुका है तकरीबन 6.5 करोड़ प्लस, जो कि एक अमेजिंग कलेक्शन है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है जहाँ पर इसको डायरेक्शन दिया है बहजाद खम्बाट्रा ने। वेल, आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय, अगर आपने ये देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। वेल, वहीं बात करते हैं लिस्ट की दूसरी फिल्म आ थर्सडे को लेकर, जिसे कि रिलीज हुए 4 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और 5वें दिन का रन चल रहा है। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर तो ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें की लीडिंग में नज़र आ रही है यामी गौतम। इनके अलावा भी काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं जैसे डिंपल कपाड़िया, करणवीर शर्मा, अतुल कुलकर्णी और भी काफ़ी सारे लोग। अब बात करें फिल्म को लेकर, ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर कर रही है जिससे कि रिलीज हुए 4 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर कलेक्शन की बात आती है तो ये भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है और अपना बजट जल्द ही रिकवर कर लेगी। कलेक्शन की बात आती है तो इस फिल्म ने संडे को कम से कम 7 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया, जो कि बहुत अच्छी और आप कह सकते हो अमेजिंग इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इस साथ जो कलेक्शन हो गया था फिल्म का 4 दिनों के अंदर अंदर वो चुका था तकरीबन ज़्यादा भी नहीं तो 22 करोड़ प्लस की कलेक्शन कर चुकी है 4 दिनों के अंदर अंदर OTT से। और वहीं इसका जो कलेक्शन बजट है वो मैक्सिमम 30 से 40 करोड़ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं, और अगर आपने दोनों ही फिल्में देखी है तो आपकी क्या है राय दोनों फिल्मों को लेकर, और आप किस फिल्म को फर्स्ट चॉइस रखना चाहोगे, मराठी फिल्म पावन खिंड को या फिर बॉलीवुड फिल्म आ थर्सडे को। जो भी ओपिनियन हो कमेंट में मेंशन करते रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।